पटना में ऑक्सीजन जहां पर प्राइवेट घरों में जरूरत है वहां पर अविलंब मैंने कहा कि ऑक्सीजन के लिए मरने को नहीं देंगे। 11,000 में छोटा, 20,000 में बड़ा। एनएमसीएच की स्थिति त्राहिमाम है और वहां ऑक्सीजन भी रात में जो ऑक्सीजन भर के आता है वो ऑक्सीजन गायब हो जाता है। 20,000 में खरीदने पड़े हमें। पूरा देश में ब्लैक मार्केटिंग, आउट ऑफ मार्केट कर दिया है सुई को। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, जब आपके एम्स के डायरेक्टर लिख के देते हैं ये जो दवाई है रेमडेसिविर ये कारगर नहीं है, एनएमसीएच के डायरेक्टर सुपरिटेंडेंट लिख के देते हैं नहीं लिखना है, उसके अलावा रिमेनिंग है पप्पू यादव के पास, उसके अलावा दूसरी सुई है और मैं देने को तैयार हूं, लेकिन एक भी डॉक्टर रेमडेसिविर के अलावा दूसरा सुई का नाम नहीं लिख रहा, क्योंकि सिर्फ रेमडेसिविर में ही पैसा अधिक बचत है, ब्लैक मार्केटिंग है और दवाई में पैसा बचत नहीं है। जो एजेंसी है या जो सिप्ला के कुछ लोग हैं और जिसकी यहां सीएनएफ लिया हुआ है जो लोग, उनसे मिलकर और कुछ पदाधिकारी की गठबंधन से पूरा आउट ऑफ ब्लैक मार्केटिंग हो गई। जिस अस्पताल को दिया जा रहा है वह अस्पताल के लोग भी उसको ब्लैक मार्केटिंग में दे रहे हैं और वो सुई पर रहा है या नहीं पर रहा है उसके अटेंडेंट नहीं है और कह दिया जा रहा है कि सुई दे दी गई। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, यदि आप हिंदुस्तान के लोगों की सुई देकर के हिफाजत नहीं कर सकते हैं, सिप्ला कंपनी गुजरात के, महाराष्ट्र से पप्पू यादव को फोन आ रहा है हमको रेमडेसिविर दिलवा दीजिए हम मर जाएंगे, नोएडा से, गाजियाबाद से, कई बड़ी बड़ी संस्थाएं और चैनल ने फोन किया हमारे यहां, जी न्यूज से लेकर के G24 के हालात अच्छे नहीं है, दिल्ली से, और कोई सुनने वाला नहीं। सुई रहते हुए अस्पताल में सुई नहीं पड़ता है पेशेंट को। एनएमसीएच की स्थिति त्राहिमाम है और वहां ऑक्सीजन भी रात में जो ऑक्सीजन भर के आता है वो ऑक्सीजन गायब हो जाता है, खाली जो सिलेंडर है उसको लगा दिए जाते हैं ऑक्सीजन लगाकर, एक भी सीनियर डॉक्टर भीतर नहीं जाता है एनएमसीएच के अंदर, एक भी सीनियर डॉक्टर। कोरोना पेशेंट को मरने पर छोड़ दिया गया, कोई भगवान भरोसे है, कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है, लैट्रिन बाथरूम साफ करने वाला नहीं है, अटेंडेंट को बेचारे जाने नहीं दिए जाते और कहा जाता है कि सब पॉजिटिव हो गए इसलिए हाथ खड़े कर दिए। पटना में ऑक्सीजन जहां पर प्राइवेट घरों में जरूरत है वहां पर अविलंब मैंने कहा कि ऑक्सीजन के लिए मरने को नहीं देंगे। 20,000 में खरीदने पड़े हमें। ग्यारह हजार में छोटा, 20,000 में बड़ा। आरा से हमें फोन आ रहा है कि ऑक्सीजन सदर अस्पताल में है ही नहीं, एक भी ऑक्सीजन नहीं है सदर अस्पताल में। अभी ईटीवी कोई चला रहा था कि टोटल ऑक्सीजन की डकैती हो गई, क्रिमिनल लूट के लेके चला गया। पूरा जो जीएम रोड है, जीएम पूरा जीएम रोड के अगल बगल पूरी रेमडेसिविर दवाई की ब्लैक मार्केटिंग, 34,000, 24,000, 25,000,
70,000 45,000 नेपाल से लगभग 10,000 रुपया पर पीस हमें वहां से मंगाना पड़ता। भाई क्या है, 20,000 से ज्यादा इसको समझिएगा आपके पेशेंट हो चुके हैं बिहार में, और बेड 3,000 भी नहीं है तो पेशेंट की स्थिति क्या है। मैंने मेदांता को डॉक्टर सहित और बेड सहित, मैं जानना चाहता हूं झारखंड के मुख्यमंत्री ने बेड के साथ ऑक्सीजन के साथ बेड लगवाने का काम किया है, कुछ क्या कारण है कि ये काम हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर और सीएम नहीं कर सकते, बिहार के सीएम नहीं कर सकते। और जब WHO से लेकर लगभग भारत के डॉक्टर ने कहा है रेमडेसिविर 80-85% रिमेनिंग नहीं है, डॉक्टर तेहरान सभी लोगों ने, फिर डॉक्टर साहब लोग क्यों लिख रहे हैं रेमडेसिविर और दवाई जान रक्षक है वो क्यों नहीं लिख रहे हैं। मेरे पास है अभी मिनिमम 200 से ज्यादा पीस अन दवाई सुई, ताकि वो लोगों की जरूरत जान बचा सके। अब लोग सीधा हमको रेमडेसिविर मांग रहे, कहां से दिया जाए भाई। जी सर मुझे तो समझ में नहीं आता लॉकडाउन रिमेनिंग है क्या, केसेस बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन तब लगती है जब जबरदस्ती लोगों को बंद कर नेताओं को और व्यवस्था को मनमानी करने का, लूटने की खुली छूट की मन हो। लॉकडाउन रिमेनिंग नहीं है जनाब। वैसे भी 70% पटना के लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, लॉकडाउन से बुरी स्थिति है। भैया आंकड़े तो पूरे और जगह भी बढ़ रहा है, दिल्ली में एक भी रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की कमी है, बंबई में नहीं मिल रहा है, पूरे देश में यदि दो एक दो स्टेट कर्फ्यू लगाया है 4-6 दिनों के लिए, बिहार में आप सचेत क्यों नहीं हो रहे, आपने तो लगाया है। मेरा सवाल है दवाई से और कुछ लोगों का सवाल है लॉकडाउन से। मुझे तो समझ में नहीं आती लॉकडाउन से आदमी कैसे बचेंगे, उनको दवाई जरूरत है बेड की और बेड नहीं है, उनको जरूरत है ऑक्सीजन की, वो ऑक्सीजन नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूं ये एम्बुलेंस वाले की माफियागिरी को रोकिए, नहीं तो हमारे युवा और छात्र भी एम्बुलेंस के खिलाफ 24,000 रुपया एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए 24,000 मेरे सामने में लिया। पीएमसीएच में मैं खड़ा था, पैसा लिया। बिल्कुल कोलैप्स। जिस देश की सरकार अपने प्रजा को एक सुई दिलाने की हिम्मत और औकात नहीं रखता हो, वह देश बचाने की और देश बनाने की बात करे, ऐसे लोगों को नेगलेक्ट करने की जरूरत। आज जरूरत सिर्फ सुई ऑक्सीजन लोगों की जिंदगी बचाने की है, और सरकार ने लापरवाही की और हिंदुस्तान में आज सुई से भी ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन की है, जो भारत में ऑक्सीजन की कमी है, बिहार में ऑक्सीजन नहीं है। और सरकार झूठ बोलती है, लगातार झूठ पे झूठ,
झूठ पे झूठ। और अंतिम बात, प्रवासी मजदूर जहां से आ रहे हैं एनआर की, एक बस में 9,000 रुपया एक भाड़ा दिल्ली से यहां आने का, 12,000 भाड़ा, और सीट पर 5 आदमी। ट्रेन में भाड़ा यहां से टेम्पो में ट्रिपल भाड़ा, फिर यहां से बस से घर ट्रिपल भाड़ा। प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार ने बस की व्यवस्था नहीं की, और प्रवासी मजदूर जब भूखे प्यासे उतरते हैं तो सरकार ने उसकी खाने की व्यवस्था नहीं की, और ना ही प्रवासी मजदूरों की जांच होती है। कहीं भी 5 जगहों से प्रवासी मजदूर स्टेशन से निकल रहे हैं, और एक जगह तंबू लगा करके सिर्फ दिखाने का काम। यह सरकार 75 लाख रुपया जो कह रही है, या अपने पार्टी फंड में या नेताओं के फंड में देंगे, या 75 लाख रुपया हर जिलों में ऊंट के मुंह में जीरे का फोरन, और उसमें भी प्रवासी मजदूर के लिए नहीं, सरकारी तंत्र के लिए। मेरा आरोप है यह 75 लाख रुपया नहीं, प्रवासी मजदूर के अकाउंट में सरकार सीधा 6,000 रुपया डाले, कोई खाने की व्यवस्था नहीं, कुछ मत करिए, आप 6,000 रुपया मजदूर के अकाउंट में डालिए। यह मेरा डिमांड है। और यदि सिप्ला एंड अदर कंपनी कल तक बिहार के लोगों को सुई देने का काम नहीं किया, तो कल उसके विरोध में कल से आंदोलन शुरू। सर आप सिलेंडर बांट रहे हैं, और जिला प्रशासन का कहना है कि कोई भी अस्पताल नहीं कह सकता है कि उनके पास ऑक्सीजन की कमी। मैं ऐसे लोगों से बात नहीं करूंगा, अखबार से लेके टीवी भरी पड़ी है, सबने सर्वे किया है, और जा करके कहीं ऑक्सीजन नहीं है। मेरे इस पर ऑक्सीजन के लिए आते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, अखबार के रिपोर्टर, टीवी चैनल के रिपोर्टर एक एक अस्पताल जाकर के जांच किया है। और मैं कल ऑक्सीजन के लिए शाम में गया, सभी जगह कहीं ऑक्सीजन नहीं। सर डीडीसी के ऋषि पांडे, इनका कहना है कि जिलाधिकारी के निर्देश पर जो है कोई अस्पताल अब नहीं कर सकता है कि हमारे पास ऑक्सीजन। ये वो सही बोल रहे हैं कि अखबार और रिपोर्टर और आम आदमी से झूठ बोल रहा है। ये तय करने की जिम्मेदारी आम आदमी की है, और अस्पताल से वालों ने सीधा बोल दिया है कि हमको चाहिए 50-100 और हमको मिलता है 10, और वो 6-4 घंटे में समाप्त हो जाता है। स्थिति यह होती है कि हमको पेशेंट को मरने का डर होता है।